do, let me know. Anyone? Yes, Vidya ma'am. Matlab means in the sense usage or your teaching, ma'am. मैम थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे मैम. वन सेकंड, वन सेकंड. मैम योर टीचिंग, आपको वो जो टीचिंग है उसके ऊपर. हेलो. यस यस, आपको कोर्स कैसे लगा? आपको समझ आ रहा है? टीचिंग अच्छा है? समझाने या का या तो या 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 एक्चुअली समझ में बहुत अच्छा आ रहा है. वेरी क्लियरली एंड एक्सलेंट इट इज, लाइक बहुत ही क्लियरली. और उसमें कुछ इश्यू ही नहीं है कि कुछ भी नहीं समझे, ऐसा कुछ इश्यू ही नहीं है. वेरी क्लियरली, वेरी नाइसली एक्सप्लेनेशन पार्ट इज एक्सलेंट मैम. वेरी नाइस, वेरी नाइस. Thank you. Thank you so much. Anyone else? Priyanka ma'am? थैंक यू सो मच मैम, आपने ये क्लास लिया. कोर्स बहुत ही अच्छा है, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. आप हर चीज को इतने अच्छे से बच्चों की तरह एक्सप्लेन करते हैं. मीन्स आप एक टीचर और हम एक छोटे से बच्चे हैं, ऐसे आप एक्सप्लेन करते हैं. ये हमको बहुत ही अच्छा लगा. और जब आप कोर्स, जैसे कि आप बताया ईशा मैम और आपने, तो एक थोड़ा सा मन में एक जिज्ञासा होता है, मैजिकल चीजें होती क्या है, सिंबॉल के जरिए हम कैसे मतलब ये चीज कर सकते हैं, ये मन में जिज्ञासा थी. तो फिर हम लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया. थैंक यू फॉर मी, थैंक यू फॉर माई क्लास मैम. एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड? यस मंजू मैम. या मैम, वे ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव मैम. थैंक यू सो मच. या मैंने पहले भी जिम्बू सिंबल वगैरह पढ़ा हुआ है, काफी देर हो गया, बट इट इज वेरी क्लियर. ओके, बट डेडिकेशन से समझा रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स मैम, आई एम हैप्पी मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ. थैंक यू. यस हेलो, जय श्री कृष्ण मैम. हमें पता नहीं था कि जीबू सिंबल और ये सब स्विच वर्ड्स, हमें इतना कुछ नॉलेज इतना अच्छा सा मिला है कि हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें अराउंड हमारे जो फैमिली मेंबर्स के भी हैं, तो हमें लगता है कि हम उनको हेल्प कर सकेंगे. अभी ऐसा लगता है, एक होप आपने आशा दिखाई है कि हम ये सब रिजोल्व कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम. इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू. और आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है. और आपने हमें ये भी होप दी कि हमें कुछ समझ में ना आए तो हम आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच. सुधा मैम. जय जिनेंद्र मैम. जय श्री कृष्ण मैम. बताइए मैम, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज. हाँ मैम, मैंने मैम स्विचबोर्ड की क्लास पहले की हुई है, पर आपका जो सिखाने का मतलब तरीका जो था बहुत अच्छा लगा. मतलब एक बार में से समझ में आ रहा है कि आपने क्या बता रहे हैं आप हमको. दूसरा, जीबू सिंबल मेरा कभी ये क्लास की हुई नहीं थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसी है, लेकिन आज अभी देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. और जो रिकॉर्डिंग में हम वापस मैम, आपकी आवाज कट रही है. मतलब क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि जो आप एक बार में बता रहे हैं ना, वो एक बार में दिमाग में मतलब सेट हो रहा है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है बोल के, क्योंकि उसको आप दो तीन बार रिपीट करके बता रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम आपको. थैंक यू सो मच. हेलो जी मैम. थैंक यू मैम. अच्छा आपका हो गया, राइट? आई एम सो सॉरी. हाँ पुष्पा मैम. जी मैम. हेलो, थैंक यू मैम. हाँ मैंने मतलब मुझे लगा था कि वैदिक स्विच वर्ड में सभी सिद्ध करने रहते हैं, इसलिए बहुत उसका ये हो रहा था कि इतने सारे स्विच वर्ड
सिद्ध करके हम लोग कब करेंगे और कब आपने बताया कि कोई कोई मतलब नहीं करने, और इटालियन स्विच वर्ड भी नहीं कर, मैंने ज्यादा इटालियन स्विच वर्ड के लिए किया था, मैंने वैदिक स्विच वर्ड का पहले किया हुआ है, लेकिन ये आपका साथ में था करके मैंने रिपीट किया इटालियन स्विच वर्ड और वैदिक स्विच वर्ड के लिए कोर्स। क्या मैम आपने कुछ अभी 3 4 हाँ दिन किया उसमें से कुछ? हाँ मैंने एक इसमें वैदिक इटालियन स्विच वर्ड का एक अभी हाल ही में महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के बाहर मेरे चप्पल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने क्रिस्टल रिच बोला तो और मिल गए तुरंत ही। इतनी भीड़ थी और इतना ये था ना कि कुछ ही मतलब लगा था कि अभी तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 3 घंटा के बाद हम लोग आए थे लाइन में से, तो किधर भी नहीं मिल रहा था, और मैंने बोला और तुरंत मुझे दिख गया मेरे सामने मैम ये ही। बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो हाँ क्लिप करके यूज कर रहे हो और रेस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस करुणा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा मैम। मैम सबसे पहले तो आपको थैंक यू, मतलब आपने इतने इजी तरीके से समझाया है। ये जिबू सिंबल्स को तो देखते हैं ना तो इतने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट, ऐसे ऐसे टर्न लेना है, तो एक्चुअल में दे आर वेरी इजी। हम लोग उसकी प्रैक्टिस, दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आपने बहुत अच्छे से समझाया। और सेकेंड थिंग, एक्चुअली यू आर अ ग्रेट मेंटर, क्योंकि अभी मैंने वास्तु की आपकी जो एक वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था जो लास्ट टाइम हुआ था, और वहां से मैंने मैंने आपकी बाकी कभी कोई क्लास नहीं ली थी, तो मैंने जब उसमें से आपका नंबर लेके, और एक क्वेरी थी मेरी, तो मैंने आपसे उसके रिगार्डिंग मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, एंड यू रिप्लाइड फॉर दैट। मतलब एक अननोन कैंडिडेट को भी अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर रियली अ ग्रेट मेंटर। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू। यू सो मच मैम। करुणा मैम नहीं आपका होगा, आई एम सो सॉरी। मैम यस मैम जी मैम यस मैम आवाज आ रही है? यस मैम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया मैम आपके साथ। मेरी वास्तु की वेबिनार मैंने करी थी और आज ये दूसरी क्लास है। बहुत ही मैम अच्छी तरीके से समझाया, मतलब बहुत मजा आया मैम। और एक मैम एक वो बताना मुझे, जैसे कि अगर सारे मिक्स जंबो बनाना है तो जंबो पैक कैसे बनाए? फॉर एग्जाम्पल मैंने एडिक्शन का बनाना है, तो अब एडिक्शन के लिए उच्चाटन तो ब्लैक पेन से लिखना है, और सिंपल बनाना है पर्पल से, तो एक ही ब्रॉडकास्ट में ब्लैक से फिर पर्पल से, और जो वैदिक स्विच वर्ड है नहीं इटालियन, इटालियन को हमने बोलना है ना, लिखने के लिए आप ब्लू यूज कर सकते हो, ब्लू इज यूनिवर्सल फॉर इटालियन। अच्छा वो 3 पेन से करना है एक ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। एक मैम आपने वेबिनार में बताया था महावीर विक्रम बजरंगी एडिक्शन के लिए, ये भी इसी के साथ ऐड कर सकते हैं? यस आपको अभी हनुमान चालीसा रेमेडीज की पीडीएफ मिल जाएगी कल, उसमें भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे, सो तो काफी वो मैम कोई भी पेन चलेगा? रेड पेन आप देखो जो वैदिक है ना उसके लिए अगर आपको कोई पेन नहीं समझ आता तो ब्लू ग्रीन रेड 3 कलर्स है, ब्लैक जहाँ पे मेंशन करा है सिर्फ वहीं पे करना है, अदरवाइज ब्लैक नहीं मैंने करना। अभी लास्ट मैम वो आपका ब्लैक कैंडल वाला किया था, जो आपने एडिक्शन का बताया था बच्चे के लिए, तो मैंने एडिक्शन का किया था हस्बैंड के लिए, तो मैं भूल गई, रेड 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 पेन से बना दिया स्लिप में।
फिर बाद में याद आया ब्लैकमेल करना था। नो प्रॉब्लम मैम, आपकी इंटेंशन भी बहुत मैटर करेगी। कुछ हुआ फर्क पड़ा पड़ेगा, जल्दी करो आप सैटरडे। मैं तो बहुत टाइम से लगी हुई हूँ कुछ ना कुछ करने, पूजा मैम की रेमेडीज ये वो। हो जाएगा, आप ये करो, उच्चाटन करो, देखो आप मुझे खुद सामने से फोन करोगे। वही है मैम, मेरे ख्याल से रास्ता है, रास्ता ही यही है कि बस एक के बाद एक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम हाँ जी मैम, मुझे तो मेरे नॉलेज में ओनली न्यूमेरोलॉजी था, बट ये वैदिक स्विच वर्ड, जीबू स्विच वर्ड और फ्रेंच वर्ड्स जो था वो मुझे तो आपका वेबिनार जब मैंने अटेंड किया तब पता चला, बट उसके वजह से मेरी जो जो स्मॉल या बड़ी कोई भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मुझे ट्रस्ट है। और आपका एकलव्य प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है ना, आप ईशा मैम सब लोग हमें कोई भी बार कहीं भी हम अटक रहे तो आप तुरंत ही आंसर देते हो, वो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी।